रैली पे जा रहे थे, रैली पे जा रहे थे। अंदर बच गए कोई पता नहीं। Start, Kanisab 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
मेरे भाई ट्रैक के दरमियान मत आप तो रख रखेंगे, लेकिन गाड़ी ट्रैक पे है। Ya
जी द फेमस शादी खेल, और अब जा रहे हैं सब शादी खेल। आज आखिरी मरहला है इस 15वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का, प्रिपेयर्ड गाड़ियों का। चोलिस्तान 500 पहला फेज इन्होंने परसों मुकम्मल किया, और आज दूसरे फेज में तकरीबन 250 किलोमीटर का ट्रैक ये पूरा करने जा रहे हैं। असद शादी खेल यार, वैसे है तो यहाँ इसको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं हमारे निशान भाई, रिप्रेजेंटिंग टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब। जीरो नाइन एट मेरी बैटरी मोह गई है, रात को लेने अगर कार के लोग ना लाई लेते हैं बोल रहा है। थ्री टू ओ भी अब गो वो मांड पर जाएंगे। तो चोलिस्तान में हर शहरी जो है वो अपने अंदाज से अपनी सवारी को अपने तरीके से सजा कर आया, लेकिन आज जो है आखिरी रोज यहाँ पर अमन की फाख्ता भी पहुंची है। ये शोरगोट का शहरी है, मेरे पीछे फराज आपको दिखा सके तो इसके आईडिया और इसकी जो तख्लीक है उसको सलाम है। ये इस वक्त अमन की फाख्ता जो है ये चोलिस्तान सहरा है, चोलिस्तान में शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ये इसने कश्मीर का नाम मंसूब किया है, पूरे पाकिस्तान का इस अमन के फाखले में चक्कर लगाया है, और इसने पैगाम दिया कि कश्मीर पर जुल्म बंद किया जाए और जो बर्बरियत जारी है कश्मीर में उसको ख़त्म किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो पायलट है उससे भी बात हो सके। वैसे तो ये रक्षा लग रहा है, लेकिन इसको आप फाख्ता ऊपर से बनाया गया, और ये हेलीकॉप्टर भी इसको हम कह सकते हैं और गाड़ी भी कह सकते हैं। इस आइडिया को सलाम है। हम जाएंगे केबन में और बात करेंगे, इस्माइल जट अंदर मौजूद है, कि आइडिया कैसे आया, कहाँ तक वो पहले घूमा है, और आज ये क्या आइडिया क्या पैगाम लेकर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि आपके आइडिया बड़ा मुनफरद आइडिया है, चोलिस्तान में आ जाए हैं, पूरे शहरियों की तवज्जो का मरकज है आज आपकी है अमन की फाख्ता, कहाँ कहाँ पहले गए, क्या पैगाम लेके हैं, और ये आइडिया अडॉप्ट कहाँ से किया आपने? बेसिकली फाख्ता को दुनिया में अमन की अलामत कहते हैं, तो चंद साल पहले पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी चल रही थी इसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी कौम का जो इमेज ख़राब हुआ था उसको बेहतर करने के लिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए जो जल्द अज जल्द दुनिया में क्लिक हो जाए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि दुनिया में जो अमन की अलामत मानी जाती है उसी को सवारी बनाया जाए और पूरे मुल्क में सफ़र किया जाए और लोगों में अमन का जो पैगाम है उसको दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान पूरे में सफ़र किया, सिंध, बलूचिस्तान, के पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो ये मेरा टूर 3 माह में मुकम्मल हुआ था, और उसके बाद फिर जब ये कश्मीर में कर्फ्यू लगा है तो उसमें भी मैंने एक टूर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरी आवाज़ नहीं बल्कि ये मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। तो अभी यहाँ पे मैं चोलिस्तान में आया हूँ तो यहाँ पे भी रैली को देखकर इसमें भी हमारा जो पाकिस्तान का जो असल चेहरा था वो दुनिया के सामने गया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि मैं फ्रांस से कहूँगा तो आपको ये शेप दिखा है, ये रिक्शे की शेप है, अंदर पूरा केबन बना हुआ है, जिस तरह आप हेलीकॉप्टर में बैठे और ऊपर भी देख सकते हैं आपके, बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम जो है इस अमन की फाख्ता के अंदर बनाया हुआ है। एक रिक्शा मॉडल किया गया उसको, गाड़ी भी हम कह सकते हैं। सामने शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस अमन की फाख्ता को देखने के लिए, और ये शहरियों की इस वक्त चोलिस्तान में शहरियों की तवज्जो का मरकज है, जो पाकिस्तान भर से जो शहरी आए हैं आज इस गाड़ी को जिसका नाम अमन की फाख्ता उसने रखा उसको देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। पीछे का मनाजर भी हम आपको दिखाएंगे। ये फराज से कहूँगा कि ये तमाम गाड़ी का जो मनाजर है वो दिखाया, जिस पर लिखा हुआ है कश्मीरियों को जीने दो, कश्मीर में जो जुल्म है उसको बंद किया जाए। तो खूबसूरत अंदाज में इस गाड़ी को तैयार किया गया जो आज बहावलपुर के चोलिस्तान में शहरियों की तवज्जो की मरकज बनी हुई है। ये गाड़ी जिसको अमन की फाख्ता का नाम दिया गया, ऊपर पूरा फाख्ता का जो है डिज़ाइन बनाया गया, और नीचे ये रिक्शा है
रिक्शे के ऊपर ही जो है ये तमाम बॉडी उसकी जो है फाख्ता की बनाई गई है और बहुत बड़ी फाख्ता अमन की फाख्ता इस वक्त चोलिस्तान में मौजूद है जो शहरियों की तवज्जो का मरकज है। और मकसद इस वेलजेट का कहना है कि मकसद इसका यही है कि दुनिया में अमन कायम किया जाए और खासतौर पर कश्मीर में जो जुल्मों पर भी जारी है उसको बंद किया जाए। यही अमन का पैगाम लेकर ये पाकिस्तान भर का चक्कर लगाने के बाद आज जो है ये चोलिस्तान पहुंचे हैं जहां पर चोलिस्तान के शहरियों की जो यहां पर पाकिस्तान भर से शहरी आए हैं उनकी तवज्जो का मरकज है ये अमन की फाख्ता। जी बनेगा पाकिस्तान 273 अमन की फाख्ता का नाम सेव करूँगा। ठीक है सर, एक अमन की फाख्ता दोस्त बस करो यार, बड़े फोटो सेशन हो गए। ये कैसी रही इस दफा जीप रैली और ओवरऑल जो बहुत अच्छा इवेंट है। हम लोग दो दिन हो गए यहाँ पे आए हुए हैं और दूसरा ये है कि बहुत अच्छी अच्छी जीप्स यहाँ पे तैयार की गई हैं, रिवो, हमर, FJ क्रूजर और बहुत से टुंड्रा, ये काफ़ी जीपें तैयार हुई हैं यहाँ पे और बड़े शौकीन लोग ले गए हैं। दूसरा ये है कि मैं अपने कौम को यही कहूँगा कि वो आएँ आके ये अपना जो इवेंट है इसको आके इंजॉय करें ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका शऊर आए, पता लगे कि ये इवेंट हो रहा है, हम लोग भी आए हैं, पता लगा। बाकियों को भी मैं ये कहूँगा कि वो लोग आएँ, लाजमी शेयर करें। हाँ जी, बड़े बहरहाल सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है, फौज होगी, अपना MP पुलिस होगी, मिलिट्री पुलिस सारे बिल्कुल एक्टिव हैं माशाल्लाह, बहुत सिक्योरिटी थी, बहुत अच्छा था। दोस्त आ रहे हैं आप? सर बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो दिन हो गए हैं, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोगों ने रैली को काफ़ी इन्जॉय किया है। डिफरेंट आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और चोलिस्तान डेजर्ट रैली का ये है कि इसका जो ट्रैक है काफ़ी लंबा है, 280 किलोमीटर्स है राउंड, यानी कि अगर आप एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हो और वापस आ रहे हो तो ये एक इटसेल्फ अ थ्रिल है जो आप लोगों को, जो देखने वाले हैं उनको एज अ कह लो कि थ्रिल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में हम लोग ये देखते हैं कि रैली में काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन जब तक प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट के लिए फैसिलिटेट नहीं करेगी गवर्नमेंट तो हम अच्छी कह लो कि रैली कंडक्ट नहीं करवा सकते जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप पोर्ट्रे कर सको कि जी कि दिस इज़ द न्यू पाकिस्तान। तो क्या करना चाहिए कि जो साइडों पर लोग होते हैं उसकी मैनेजमेंट की जाए, प्रॉपर बॉर्डरिंग वगैरह की जाए, थोड़ा सा मजीद इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जाए कि एक इंटरनेशनल कह लें कि आप लोग ऑडियंस इसको देख सके और इसमें आगे पार्टिसिपेट कर सके। नो प्रॉब्लम। मुझे बेसिकली दो दिन हो गए हैं इधर आए हुए, मैं बेसिकली मुल्तान से आया हूँ, यहाँ हमने आके कैंपिंग की है और देखा है कि जो ये रैली थी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट इन्होंने मैनेज किया हुआ है। बस थोड़े बहुत ये है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी के हवाले से जो है ना ट्रैक को सेफ करने की जो है ना वो ज़रूरत है ताकि कोई जो है एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। वो बाकी इवेंट बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज था, ठीक है, इससे ये है कि थोड़ा सा प्रमोट भी करना चाहिए ताकि जो है ना बाहर से फर्दर हमारे पास जो है या लोग आएँ बाहर की कंट्री से जो है ना आके पार्टिसिपेट भी करें और यहाँ आके इंजॉय करें यहाँ के जो है ना हमारे इवेंट को, इस रैली के इवेंट को। एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन गो। मेरी बैटरी मो गई है, रात को लेने आ गया कार गंजलो गन लाई है अगर कहीं आए थे वो भी अब मेरी बैटरी मो गई है, रात को खा ले बैटरी मो गई। Thank you.
ये गाड़ी निकली, ये नहीं पीछे चलो के बना live, 3, 2, 1, go!